अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत सुकमा जिले में आज छिंदगढ़ से की गई। स्थानीय हलवा समाज के सामुदायिक भवन में रखी गई इस बैठक में नागेंद्र भट्ट संघ सह क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश ने कहा कि हर जगह राम है, हमारे दिन की शुरुआत राम से, जीवन का अंत भी राम के साथ होता है, इसलिए अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाने हेतु हम सभी को योगदान देना होगा। प्रांत सह व्यवस्था प्रमुख राधेश्याम जलछत्री ने उपस्थित सभी संगठन को बधाई देते हुए इस अभियान को जिम्मेदारी से पूर्ण करने का संकल्प करवाया। इस कार्यक्रम में इस अभियान से जुड़े अभियान प्रमुख मुन्ना राम नाथ, सह प्रमुख गुप्तेश्वर गंगबेल, अध्यक्ष पी विजय, उपाध्यक्ष दीपिका शोरी, गायत्री समाज के आयताराम पोड़ियाम, भाजपा जिला अध्यक्ष हुंगाराम, संजय सोढ़ी ठाकुर, लक्ष्मीराम पोड़ियाम, जिला प्रमुख विहिप विश्वराज चौहान एवं जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए निधि समर्पण के इस अभियान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने इस बैठक में भाग लिया। राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए अभियान शुरू करने से पूर्व छिंदगढ़ में राम मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के बाद अभियान शुरू हुआ। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है, जिसमें पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा गांव में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेगी। इस दौरान 10 रूपए, 100 रूपए और 1000 रूपए के कूपन होंगे। 2000 रूपए से ज्यादा सहयोग करने वालों को रसीद दी जाएगी। इस चंदे के माध्यम से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य सम्पन्न होगा। सभा का आयोजन कर सर्वप्रथम समस्त राम भक्तों के द्वारा हलवा समाज भवन से शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार होते हुए गायत्री मंदिर से होते हुए कॉलोनी से निकलकर पूरे छिंदगढ़ का परिक्रमा कर वापस उसी स्थान पर कीर्तन भजन व जय श्री राम का नारा लगाते हुए पहुंची। इस शोभा यात्रा के दौरान राम भक्तों ने पूरे छिंदगढ़ में पीले चावल देकर राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने हेतु लोगों से आग्रह भी किया। सुकमा से जिला ब्यूरो संजय सिंह भदौरिया के रिपोर्ट।